जैसलमेर में सोनार दुर्ग की दीवार गिरने के बाद नगर परिषद ने जर्जर मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। पुरातत्व विभाग ने भी किले की ढही दीवार की मरम्मत का काम शुरू किया। सोनार दुर्ग के पास जर्जर मकानों के मामले में नगर परिषद ने गंभीर कदम उठाए हैं। नगर परिषद ने 14 जर्जर मकानों की पहचान की है, जिनमें से 3 मकान अत्यधिक जर्जर स्थिति में है। इनमें से एक मकान पर नगर परिषद ने काम भी शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने इन मकानों के मालिकों को 24 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है कि यदि मकान मालिक स्वयं इन मकानों को नहीं हटाते हैं तो नगर परिषद नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243(2) के तहत इन मकानों को हटाने की कार्रवाई करेगी। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी संभावित नुकसान के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगी। इसके अलावा इन मकानों की संपत्ति का स्वामित्व नगर परिषद अपने पास ले लेगी और वहां नगर परिषद स्वामित्व का बोर्ड भी लगाएगी। इसी बीच पुरातत्व विभाग ने सोनार दुर्ग की ढही दीवार की मरम्मत के काम का निरीक्षण शुरू कर दिया है। पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद सुधीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया है और निर्देश जारी किए ढही दीवार के सामने सुरक्षा जाली लगाई जाए ताकि मरम्मत के दौरान किसी भी गिरते हुए पत्थर से सड़क पर कोई नुकसान न हो।